तो वही जो हम कह रहे थे कि सबसे एक रोचक तस्वीर, एक जो सबसे गंभीर मसला है उसको लेकर देखने को मिली थी, नोखा विधायक बिहारी बिश्नोई टिड्डियों के साथ जब यहाँ पर पहुंचे तो हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा ने उनसे बात की। टिड्डियों ने राजस्थान के बड़े भारी नुकसान कई इलाकों में पहुंचा है, कई जिले कम से कम 10 से 11 जिले टिड्डी के आतंक की चपेट में है। और देखिए राजस्थान में आज विधानसभा में भी टिड्डी का आतंक दिखा है और यहाँ पर बिहारी लाल बिश्नोई जो कि नोखा से विधायक है वो लेकर आए, उनके इलाके में भी बड़ा आतंक है, जिंदा टिड्डियाँ तक वो विधानसभा लेकर पहुँचे हैं। बिहारी जी, ये जो टिड्डियाँ हैं इन्होंने भारी नुकसान किया है, किसानों का किया, आपके आपका इलाका हो चाहे और दूसरे जिले हो, पूरा बीकानेर डिवीज़न चपेट में, क्या कहेंगे आप? देखिए बीकानेर जिले के 12 जिलों, बीकानेर और जोधपुर संभाग के 12 जिलों में टिड्डियों से किसान प्रभावित है और सरकार खुद मान रही है कि 7 लाख हेक्टेयर में नुकसान हुआ है और नुकसान के मुआवजे के नाम पे मात्र खानापूर्ति की जा रही है किसानों को, अरबे रुपए के नुकसान की वास्तव में आकलन करके सरकार को उनको भुगतान करना चाहिए, किसानों की मदद करनी चाहिए, जबकि ऐसा करती हुई सरकार दिख नहीं रही है। क्या लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से टिड्डियाँ आ रही हैं, दूसरी तरफ शरणार्थियों को लेकर कई तरह की सियासत हो रही है, वहाँ टिड्डियों को लेकर जो नुकसान टिड्डियों ने कहर बरपाया है उसकी को लेकर क्या सियासत वहाँ अलग तरह की दिख रही? देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित होकर शरणार्थी यहाँ आए हैं उनको नागरिकता देने का जो केंद्र का विषय है, केंद्र लोकसभा राज्यसभा ने पारित कर दिया, उसके खिलाफ खड़े होने का असंवैधानिक काम राजस्थान की सरकार और मुखिया कर रहे हैं, जबकि उनको वास्तव में जो करने लायक काम है किसानों के साथ खड़े होकर पाकिस्तान अफगानिस्तान से आने वाली इन टिड्डियों का मुकाबला करना चाहिए और किसान की मदद करनी चाहिए। क्या डिमांड आपने की है कांग्रेस की राजस्थान की सरकार से, केंद्र की सरकार से? हमने कहा है कि राजस्थान की सरकार को जो NDRF में केंद्र से पैसा मिला है वो 600 करोड़ रुपए किसानों में बांटे और भी जरूरत पड़े तो केंद्र की सरकार से मांगे और यहाँ सदन से भी इस पर चर्चा करवाए और नुकसान के आकलन केंद्र सरकार से जरूरत पड़े तो और मदद की मांग करे। 9 अरब का नुकसान माना गया है लगभग कृषि वैज्ञानिकों द्वारा, 9 अरब का। और कितने किसान परिवार इसकी चपेट में आए हैं? लाखों किसान परिवार इसकी चपेट में आए हैं। जिस तरह से कहा है बिहारी बिश्नोई ने और इसके साथ ही संतोष बावरी अनूपगढ़ के विधायक, दोनों आज अनूठे अंदाज में पहुंचे हैं और टिड्डियों को लेकर आए हैं, टोकरे में भरकर लेकर आए हैं और ये चेतावनी के लिए आए हैं कि टिड्डियों के आतंक ने किस तरह से राजस्थान के कई जिलों की फसलों को नेस्तनाबूद कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया और अब ज़रूरत है किसानों के इस दर्द पर मरहम लगाने की। कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र सैनी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।